देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे, इफ लॉस इज 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस देन द लॉस परसेंटेज इज, हमें लॉस कितना परसेंट हुआ है, लॉस दे दिया गया है 1/3, तो लॉस परसेंटेज हमें फाइंड करने। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो है, सेलिंग प्राइस है वो है एक्स, तो उसका लॉस कितना हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/3 होगा, सो एक्स 3 जो है वो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाय 3, क्योंकि अगर एक्स प्लस एक्स बाय 3 की जो कोई प्रोडक्ट है उसे हम एक्स रुपीस में सेल करेंगे, सो हमें एक्स बाय 3 जो है वो लॉस होगा। सो 4x/3 यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल के आते हैं। अब हम लॉस परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें कॉस्ट प्राइस भी मिल गई है और लॉस भी दे दिया गया है एक्स बाय 3, सो हम उसको फाइंड कर लेते हैं। सो लॉस एक्स बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, इसे उल्टा कर देते हैं क्योंकि ये डिवाइड में लिखना है, इसलिए 3/4x/100। सो यहाँ पर हमें लॉस परसेंटेज जो है वो निकल के आता है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो लॉस परसेंटेज हमारा निकल के आएगा 25%। यहाँ पर 3 से 3 काट देते हैं, यहाँ पर x से x काट देते हैं, और यहाँ पर 100 को 4 से काटेंगे, सो 25% जो है हमारा लॉस निकल के आ जाए, लॉस परसेंटेज निकल के आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर।